A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in previous class we have started the new chapter, chapter 8. The name of the chapter is income determination and the multiplier. So in the last class we have started the topic, that is income determination of the equilibrium through the ADN AS approach. So in today's class we are going to start the So in this we have to study the two kind of approach, two approaches we have to study. First one is by the AD, determination of the equilibrium by the AD and AS approach, and the determination of the equilibrium by the through the saving and the investment approach. So in the last class we have already completed the AD and AS approach. So in today's class we are going to start with the determination of the equilibrium through the saving and investment approach. Okay. तो बेसिकली कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब होती है जो भी आपकी प्लान्ड सेविंग है. प्लान्ड सेविंग को हम और क्या बोलते हैं? एक्सेंट और एक्सपोस्ट. ये आपके लिए क्वेश्चन है. एक्सेंट बोलते हैं. तो एक्सेंट सेविंग जब है आपकी, वो किसके इक्वल हो जाती है? एक्सेंट इन्वेस्टमेंट के. मतलब प्लान्ड सेविंग कब किसके इक्वल हो जाती है? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. वो पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम का होता है जहां पे आपका सेविंग क्या है? इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए. और वो कैसे हम लोग करते हैं? आपको पता है, हम लोग फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है, जहां पे टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाती है. एडी इक्वल टू एएस हो जाता है. सो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस. यहाँ पे सी सी कट के आई इक्वल टू एस. सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है. ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पता है. तो जो भी हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन कीन्शियन की कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जहाँ पे आपका एक्सेंट सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. तो इसमें भी यही दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द प्लान्ड और एक्सेंट सेविंग इज आर इक्वल टू प्लान्ड और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट. सो ए जी इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इक्वल टू सी प्लस एस. सो इन द पोजिशन और इन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ए जी इक्वल टू ए एस, द एस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमें देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम थ्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो इसमें क्या करेंगे, हम दो अजम्पशन लेके चलेंगे एज यूजुअल. दो अजम्पशन आपके पहले क्या हो गया कि C इक्वल टू 50 प्लस 0.5 Y होगा. यहाँ पे 50 क्या है आपका? ऑटोनोमस कंजप्शन है एंड द 0.5 इज एमपीसी. और आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम कितना लेंगे? 100 करोड़ लेंगे. ठीक है, अभी हम लोग ये फॉलोइंग टेबल देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है, इनकम आपकी सेम एज यूजुअल 0, 100, 200, 300, 400, 500. कंजप्शन हमारा 50, 100, 150, 200, 250, 300. ठीक है, सेविंग आपको पता ही है -50, 0, 50, 100, 150, 200. नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, आई भी आपका क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपने क्या लिया है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? हर एक लेवल पे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम होता है. तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा. तो आई हमेशा ही आपका 100 होगा. नेक्स्ट है आपका एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई. तो सी और आई इसको हम सम करके एडी निकाल लेंगे. एएस क्या करेंगे? सी प्लस एस, एएस निकालेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका टेबल. अब क्या करना है, डायग्राम को पढ़ना है. डायग्राम आपको पता है, इस पे क्या हम लेते हैं, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेते हैं. एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या, एग्रीगेट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. अब इस टेबल पे देखिए, इस टेबल पे जब हम एडी और एएस की बात कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे आपका क्या है, इक्विलिब्रियम की पॉइंट है ये पॉइंट. जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एडी और एएस की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे 300 करोड़ रुपए ऑफ इनकम पे आपका एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है इस पॉइंट पे. जब हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें, कहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, तो अब इसी पे देखिए कहां पे आपको दिख रहा है, बताइए, ये पॉइंट दिख रहा है. इसी कंडीशन पे आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी हो गया, क्योंकि एजी इक्वल टू एएस है, डिमांड
और AD मतलब C plus I equal to C plus S, वहीं पे हमारा saving equal to investment हो गया। यही जो condition है, यही 300 करोड़ रुपये ऑफ इनकम पे आपका डिमांड सप्लाई के इक्वल है और आपका सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। आप जितना सेविंग कर रहे हो, मतलब अगर आप 100 करोड़ सेविंग कर रहे हो तो 100 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट कर, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको एक साथ दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को दोनों दिखाना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी दिखाना है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी दिखाना है। तो सेम हम क्या करेंगे, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ले लिया, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एडी और एएस लाइन, हम लोग ये सारी वैल्यूज रख लीजिएगा, जो भी आपका 100 200 300 इधर रख लीजिएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख के, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख के आपको क्या करना है, सिंपल सा है, कल मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट है पॉइंट ई क्या शो कर रहा है कि आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये 300 करोड़ के। और इसके पहले अगर हम लोग इस पॉइंट के पहले की बात करते हैं तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड आपका क्या है 150 और 200, एडी इज ग्रेटर देन एएस, ज्यादा है डिमांड आपकी, डिमांड कर भी ज्यादा है और सप्लाई कर्व नीचे है, तो एडी क्या है एएस से ज्यादा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो कर्व हमारा ऊपर हो गया, मीन्स एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई हमारा डिमांड से ज्यादा हो गया है इस पॉइंट पे, एस इक्वल टू आई, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका डिमांड क्या है 350 और 400 और आप सप्लाई सॉरी सप्लाई नहीं सेविंग कितना कर रहे हो 400 और 500, मतलब एडी यहाँ पे लेस देन हो गया है एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि अब पीपल क्या है वो सेविंग भी, जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है तो लोग सेविंग भी स्टार्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन हो गई। इसी के साथ ही साथ हम क्या बनाएंगे, हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी बनाएंगे। अब यही डॉटेड लाइन आपका क्या है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपका सेविंग है, आपको पता ही है ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है, वही सब चीजें हैं, क्योंकि सेविंग वाली आपकी वही है माइनस 50 से स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट आपका क्या है ये इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, तो ये 100 पे है तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस के। फिर आप ये वैल्यूज प्लॉट करके यहाँ पे देखिए, ये 100 लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे 100 आपका क्या है, देखिए 100 और 100 यहाँ पे इक्वल है ये, ठीक। फिर आप ये देखिए 300 इनकम पे ही सेविंग क्या हो रही है, जब आपका 300 करोड़ इनकम है तब आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो रही है, उसी के साथ जब हम यहाँ देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रहा है, तो ये सिचुएशन क्या है जहां पे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। और फिर देखिए सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसके पहले के बिफोर E1 देखते हैं, E1 हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट रख दिए, बिफोर हम E1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका 100 है और सेविंग कितनी है माइनस 50 जीरो और 50, इसमें आपका क्या है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग कम है, तो और आपका इन्वेस्टमेंट कर्व भी क्या है ऊपर है और सेविंग कर्व नीचे है, इस कंडीशन पे क्या हो रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और सेविंग कम हो रही है। बट आफ्टर द E1 जब हम E1 के बाद की बात करते हैं तो आप देखिए सेविंग 150 200 हो गई, अब हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, इसके बाद की पॉइंट क्या होगा सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट वही होगा जहां पे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ठीक है, अभी आप लोग को बुक से भी बता देती हूँ, देखो क्या कह रहा है कि दिस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 300 करोड़, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका 300 करोड़ है, जहां पे एट दिस लेवल एस इक्वल टू आई, यही पे आपका क्या है सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है क्योंकि 100 इक्वल टू 100। बिफोर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल के पहले की बात हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है ज्यादा है सेविंग के, सो एन इकोनॉमी शुड बी प्रोड्यूस फर्दर टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। अब कोई भी इकोनॉमी जब इन्वेस्टमेंट क्या है आपका ज्यादा है और सेविंग कम हो रहा है तो कोई भी इकोनॉमी क्या करेगी प्रोड्यूस करेगी ज्यादा कि वो क्या हो जाए इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच जाए। आफ्टर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल 300 के बाद अगर हम क्या देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एट दिस इनकम लेवल सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, सेविंग हम ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हम
कम कर रहे हैं, तो हेंस इकोनॉमी शुड रिड्यूस प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी क्या करेगी, प्रोडक्शन कम कर देगी टिल इट रीचेस द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्शन को कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पार्ट बी, पार्ट ए ये था, पार्ट बी, पार्ट बी ऑफ द, पार्ट बी क्या कह रहा है आपका, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द पार्ट ए। ये जो पार्ट बी है वो कहां से डिराइव हुआ है आपका, पार्ट ए से डिराइव हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व हैज बीन डिराइव फ्रॉम द एजी एंड एएस। सो एजी इक्वल टू एएस, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस विच इज इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो द सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड्स, सेविंग कर्व आपका क्या कर रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इट इज द पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में होता है, सेविंग और इनकम, कि इनकम जितनी इंक्रीज होगी सेविंग भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। आगे है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज 300 करोड़। इनकम लेवल और आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है आपका, 300 करोड़ है, इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट E1, जहां पे आपका E1 पे डिटरमाइन हो रहा है, जहां पे सेविंग आपका इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। आपने जितना प्लान किया था सेविंग होगी उतना ही, जितना प्लान किया था सेविंग और वो किसके इक्वल है, प्लान इन्वेस्टमेंट के, कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। दिस करेस्पॉन्ड्स टू OM लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यही क्या करेस्पॉन्ड कर रहा है कि आपका OM लेवल, OM लेवल आपका इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का इसका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच करना पड़ेगा तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों से आपको बना के दिखाना पड़ेगा और ये पूरा प्रॉपर टेबल और इसका ऑब्जर्वेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिटरमाइंड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और द फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सो लेट अस डिस्कस थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने थ्री में इसको कैटेगरी किया है, कैटेगराइज किया है। तो पहला क्या कंडीशन है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने की हमें जरूरत है उससे कम। तो ये तीन कंडीशन कीन्स के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्या है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एजी इज इक्वल टू एएस, जहां पे आपका क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहां पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन होती है। सो ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड द एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी एबल हैं और विल कर रहे हैं कि उन्हें जॉब मिले, उन्हें क्या है, जॉब मिल जाती है। सो इन अदर वर्ड्स, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे प्लान की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्चुअल, एक्चुअल एडी क्या होना चाहिए, एक्चुअल एडी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एडी। एक्चुअल एडी जो है आपकी, वो एडी वो रिक्वायर्ड एडी के इक्वल होनी चाहिए। एक्चुअल एडी मीन्स जो आपको जो है, और रिक्वायर्ड मीन्स जो आपको चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल जो अभी एडी है वो किसके, कोई भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वही होगी कि जितनी डिमांड अभी है और जितनी डिमांड की हमें जरूरत है, वो दोनों क्या हो, इक्वल होंगी, तभी ये सिचुएशन क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की होगी। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि वहां पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, वहां पे वो पूरी कंडीशन क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की होगी। वो कंडीशन क्या होगी कि आपकी जो एक्चुअल एडी है, जो रियलिटी में है, वो किसके इक्वल होगी, जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही एक्चुअल में भी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50 रुपीज की नीड है,
और 50 रुपीज मेरे पास है भी, तो ये क्या हो गया सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की वही है कि जो डिमांड एक्चुअली में है और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड एडीएन एएस, ये आपको सब पता ही चल गया है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जहां जिस पॉइंट पे एक दोनों को ये इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट इज ई, इसी को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ई। सो एडीएन एएस कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, एडी और एएस कर्व क्या है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड ईएम, एग्रीगेट डिमांड जो है आपकी ईएम करिस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ओएम। जो एग्रीगेट डिमांड है आपकी ईएम की वो किसके इक्वल है, वो जितना हमें आउटपुट करिस्पॉन्ड जितना है करिस्पॉन्डिंग टू इनकम और आउटपुट लेवल ऑफ ओएम। सो एट ओएम लेवल ऑफ आउटपुट, इस ओएम लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या कह रहा है, इकोनॉमी इज इस वाले सिचुएशन पे क्या है, इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम पे कंडीशन है, बिकॉज ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर एबल टू वर्क, दे हैव गॉट जॉब। उन्हें क्या है, जो जिसका जो विल कर रहा है और जो एबल है, उन सारे को क्या है, जॉब मिल जाए। तो इस आउटपुट लेवल पे, ओएम लेवल आउटपुट पे डिमांड लोग कितनी कर रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं और इतनी ही आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है, विच मीन्स एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के। लोग जितना डिमांड कर रहे हैं एक्चुअल में, जितनी डिमांड लोग कर रहे हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है, वो दोनों किसके इक्वल है, जितना आउटपुट चाहिए। ठीक है, सो हेयर एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ईएम, एग्रीगेट जो एक्चुअल में है वो एग्रीगेट डिमांड आपका ईएम है, विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ईएम। मतलब आपका एक्चुअल में भी एग्रीगेट डिमांड ईएम है और रिक्वायर्ड डिमांड भी ईएम है, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन है, मतलब एक ही कंडीशन है कि यहाँ तो कोई और, क्योंकि यहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो रही है कि लोग इतना डिमांड कर रहे हैं और आउटपुट का भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। सो ईएम इक्वल टू ईएम हो गया, मतलब आपका ये एक्चुअल है एडी है, विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एडी, जितनी हमें एडी चाहिए उतनी क्या है वो रिक्वायर्ड एक्चुअल, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही एक्चुअल में भी एडी है। सो दिस सिचुएशन इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यही सिचुएशन आपकी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट है आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा, जहां पे आपका एक्चुअल एडी, ये इस पे कंफ्यूज मत होएगा कि एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी क्या है, एक्चुअल टर्म से समझ में आएगी, एक्चुअल में जो है और रिक्वायर्ड मीन्स जितनी हमें जरूरत है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है कि जहां पे एक्चुअल एडी क्या है, सॉरी रिक्वायर्ड एडी के इक्वल। अब ये नेक्स्ट कंडीशन आ गई ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो रही है। मतलब यहां पे एग्रीगेट एक्चुअल और हम लोग एक्चुअल एडी रिक्वायर्ड एडी के इक्वल होती है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड एक्चुअल एडी किसके इक्वल होती है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, हमें जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए वहां ना होके उसके आगे ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल तो होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं, बट जहां पे इंटरसेक्ट करना है वहां पे नहीं करते, उसके ज्यादा करते हैं। मतलब एक्चुअल एडी की जब हम बात करते हैं और रिक्वायर्ड एडी, वहां पे वो चेंज हो जाता है। हम लोग जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी मैं प्रॉपरली बता रही हूँ, यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे क्या, ई पॉइंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जितना हमें ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये शो कर रहा है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, ये नहीं है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ई वन है, क्योंकि
ई पॉइंट क्या शो कर रहा है? ई पॉइंट तो शो कर रहा है आपका कि आपको जितने की रिक्वायरमेंट थी, देखिए कर्व ये वाला, जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना ही आपका एग्रीगेट डिमांड भी है। देखिए इन दिस डायग्राम, डायग्राम में क्या कह रहा है, एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे क्या है आपका एडी, एडी कर्व, देखिए आपको दो कर्व दिख रहे होंगे, कंफ्यूज मत होएगा बताएंगे, आपको दो कर्व दिख रहे होंगे, बट इक्विलिब्रियम की पॉइंट कहाँ पे होगा, जहां पे एडी किसके इक्वल हो जाएगा, एएस के। तो ई पॉइंट पे क्या है, देखिए ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, एडी कर्व इक्वल है एएस कर्व के, एट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी में क्या है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। सो इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू एडी वन, जब एग्रीगेट डिमांड, पहले हम लोग इस एडी इतनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ये ध्यान दीजिएगा, इतनी की रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में एडी कितना है, इतना है, ये गैप हमें रिक्वायरमेंट इतने की है, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है 50 रुपीज की और मेरे पास पैसा है 80 रुपीज, ये जो गैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्वायरमेंट हमें या इस वाले की है, क्योंकि यहीं पे आपकी इक्विलिब्रियम की पॉइंट हो रही है, बट एक्चुअल में कहाँ हो गया है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू एडी वन, जब हम डिमांड को अपनी एडी जीरो से एडी वन पे राइज करते हैं, देन देयर इज एक्सेस डिमांड, तब इकोनॉमी में क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि अभी तक हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे क्या पढ़ रहे थे कि जो एक्चुअल डिमांड है, जितनी हम डिमांड कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, रिक्वायर्ड के इक्वल है, बट यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई, डिमांड अब हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो एजी बिकम्स दी, एजी आपकी क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो गया, दिस इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यही सिचुएशन होती है ना, जब आपका डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा, यही तो सिचुएशन होती है ऑफ द एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एजी वन एंड एजी जीरो इज द इन्फ्लेशनरी गैप, देखिए एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होना, और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने में क्या होता है, डिमांड लोगों की इंक्रीज हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एजी वन, जो डिफरेंस है एडी वन, ये एडी वन, और डिफरेंस बिटवीन एडी वन एंड एडी जीरो, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही आपका इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड होता है। कैसे, जैसे एडी वन की वैल्यू हम कैसे, यहाँ पे एफ पॉइंट हम ले रखे हैं, यहाँ पे ई पॉइंट लिया है और यहाँ पे एम पॉइंट, तो एक्चुअल एडी वन आपका एक्चुअल एडी कितना है, एफ एम, ठीक, और रिक्वायर्ड एडी कितना है, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई एम, ई एम। अब इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, जैसे ये पूरी लाइन है, ठीक, ये पूरी आपके पास लाइन है, अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, तो एफ ई आपका क्या हो गया, सॉरी एफ ई आपका हो गया इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, हमें रिक्वायरमेंट यही की थी, बट एक्चुअल में कितना है, यहां पहुंच गया है। अब जैसे ये पॉइंट आप देखिए, ये जो इवन पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी पॉइंट इक्विलिब्रियम का ही, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट किसके बीच में हो रहा है, एक्सेस डिमांड और एक्चुअल एडी के बीच, तो ये तो जरूरत नहीं है, हमें तो रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी ही चाहिए, ये एक्चुअल में ज्यादा डिमांड हो रही है, तो ये भी इक्विलिब्रियम की पॉइंट है, बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड, ये नया फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बन रही, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उससे ज्यादा उस कंडीशन हो रही है, बिकॉज ऑफ डिमांड लोगों की क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोगों की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो एक्चुअल में एडी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और जो मेन इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पे है, जब आपका
एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, रिक्वायर्ड एडी के, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए एजी, एक्चुअल एडी किसके इक्वल होना चाहिए, रिक्वायर्ड एडी के। बट जब हम इक्विलिब्रियम की फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखते हैं पॉइंट, तो जहां पे एडी एएस के इक्वल हो जाता है। बट यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी में डिफरेंस है, एक्चुअल एडी हमारी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एडी हमारी कम है। तो जब हम एक्चुअल एडी देखे एफ एम और रिक्वायर्ड एडी इज ई एम, तो ये जो डिफरेंस हुआ यही एफ ई एम का क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप और दी एक्सेस डिमांड। तो ई वन भी आपका क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ई वन इज ऑल्सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन बट बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड। तो दिस पोजिशन और दिस ई वन इज कॉल्ड द ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, यही क्या है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.6 एजी जीरो इज द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। एजी जीरो क्या है, ये डिजायर्ड है, इतनी हमें चाहिए, बट कितना हो गया, इतना ज्यादा हो गया। तो करिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट की जो ओएम की रिसोर्सेज है इतना ही हमारा रिक्वायर्ड है, इतने की ही हमें रिक्वायरमेंट, हमें इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए, बट रियालिटी में यही वाली ही कंडीशन है। ठीक है, सो एजी वन इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो एजी वन है वो आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमें जरूरत है इतने की और आउटपुट और इनकम इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे बन रहा है। सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एट E1, जब इक्विलिब्रियम आपका E1 पे है, इंप्लाइंग ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इक्वल टू MM1, जिसका मतलब क्या है कि ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यही सिचुएशन, यही गैप जो आपका गैप है यहां से यहां तक, यही क्या सिचुएशन आपकी, आउटपुट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यही आपको ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग को क्या करना है। बेसिकली जब हमको फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चाहिए तो एक्चुअल एडी किसके इक्वल होना चाहिए, रिक्वायर्ड एडी के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, जो एक्चुअल एडी है वो रिक्वायर्ड एडी से ज्यादा हो गई है, हमें यहाँ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि ई पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, क्यों थी, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डिमांड भी हो रही है और सप्लाई भी। बट हमारी कंडीशन क्या हो गई है, हमारी कंडीशन, हम लोग इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गए हैं, E1 पे आ गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में एडी इतनी ज्यादा हो गई। अब एक्चुअल में एडी इतनी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एडी इतनी है, इतनी ही रिक्वायरमेंट है, हमें इतने की जरूरत ही नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट बस इतनी ही की है, लोग इतना ही डिमांड करें, इससे ज्यादा डिमांड नहीं करें, बट लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो गैप हो गया FE, यही क्या हो गया आपका, एक्सेस डिमांड हो गए, बहुत ज्यादा डिमांड हो गई। तो ये आपका क्या था, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखिए नेक्स्ट है आपका अंडरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जस्ट ऑपोजिट है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हो गई थी, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में जितनी हमें जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में उससे कम हो रहा है और रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा है, तो जस्ट ऑपोजिट है इसका। आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, बेसिकली ये क्या है आपका, एक्चुअल एडी है। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्चुअल एडी एंड दिस इज वन योर रिक्वायर्ड एडी, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एडी है। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट लाइन में कर दिया जैसे कंफ्यूजन ना हो। अब आपकी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है, क्योंकि रिक्वायर्ड एडी क्या है आपका, एडी जीरो आपकी रिक्वायरमेंट है, और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहां पे होती है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड एडी हमारी क्या है, एजी जीरो, ये क्या कर रही है, एएस को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई। ठीक, बट इसी में देखिए आपको रिक्वायरमेंट है इतने की और एक्चुअल में कितना है, इतना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपको इतने की है और एक्चुअल में इतना ज्यादा हो रहा है,
तो जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। जो यहाँ पे बनना चाहिए था वो उसके पीछे बन रहा है। अगर हम तीनों को साथ में देखें तो जो हमारा जैसे ये रिक्वायरमेंट वाला है और ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअल है, तो एक यहाँ पे बन रहा था और ओवरफुल वाला यहाँ पे बन रहा था और बनना यहाँ पे चाहिए था। तो ये वाला क्या है आपका, यही वाला सिचुएशन आपका यहाँ पे आ रहा है कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे बनना चाहिए था वहां पे ना बन के उसके पीछे बन रहा है, मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही लोग क्या है एम्प्लॉयड है। तो आपको कैसे है इस गैप को, जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना एक्चुअल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, और दी डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी रिक्वायर्ड और दी एक्चुअल, जो रिक्वायरमेंट आपको कितनी है, ईएम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको ईएम की क्या है रिक्वायरमेंट है, और एक्चुअल में कितना है एफएम है, तो आपके पास क्या बचा ईएफ, यही ईएफ आपका क्या है, जिसको डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, मतलब डिमांड आपका क्या है कम है। तो ईएफ आपका क्या हो गया, डिफ्लेशनरी और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, ई टू पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है बट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना हमें चाहिए उससे भी कम क्या हो रहा है एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो रही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहां पे होनी चाहिए ओनली बिकॉज कि रिक्वायरमेंट हमें इतनी की है, रिक्वायरमेंट हमें इतनी की है और एक्चुअल में बस इतना ही हो रहा है, तो क्या हुआ डिमांड कम हो गई है ना, तो रिक्वायरमेंट इतनी की है बट लोग डिमांड बस इतना ही कर रहे हैं, तो ये जो गैप है यही बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड में लोगों के कमी आ गई है, ठीक है। तो यही सिचुएशन हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप और दी डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। एक बार आप बुक से भी देख लेते हैं। सो इन दी डायग्राम एट पॉइंट ई पॉइंट पे एडी क्या है, एएस के इक्वल है, ठीक है, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। सो इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स टू एजी टू, जैसे इसने एजी टू इसको ले लिया है, ठीक है, जैसे अगर डिमांड आपकी रिक्वायर्ड तो आपकी इतनी थी क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यही है, बट जैसे ही डिमांड आपकी एजी जीरो से एजी टू डिक्लाइन कर देगी, देयर इज डेफिशियंट डिमांड, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज सप्लाई आपकी इस कंडीशन पे देखिए सप्लाई आपकी ज्यादा हो जा रही है। सो द डिफरेंस बिटवीन एजी जीरो, डिफरेंस बिटवीन the required AD and the actual AD is called deficient demand or the deflationary gap, जो EM minus FM which is equal to EF, यही EF आपका deflationary gap और deficient demand है। So point E is a point of equilibrium, point E क्या equilibrium का point है corresponding to full employment, यहाँ पे full employment की situation है। Point E2 is also equilibrium, point E2 भी क्या है equilibrium का ही point है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, बट ये सिचुएशन क्या है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की, जितना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ई टू क्या है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, ये भी पॉइंट है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट दिस सिचुएशन इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है। देन इन द डायग्राम एटी जीरो इज द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड, एटी जीरो आपका क्या है डिजायर्ड और रिक्वायर्ड है करिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट की रिसोर्सेज कितनी है ओएम, ओएम क्या है रिक्वायरमेंट है, और आपको कितना मिल रहा है ओएम वन मिल रहा है और ओएम टू इसको ले लो, ठीक है। सो एडी टू इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एडी टू आपका क्या है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है करिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ओएम टू, सो एडी टू इंडिकेट्स डेफिशियंट डिमांड, एडी टू आपका क्या है ये आपको क्या शो कर रहा है डेफिशिएंट डिमांड कर रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E2, जब इक्विलिब्रियम आपका E2 पॉइंट पे इंप्लाइंग दी अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका फुलर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे ओवरफुल में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था जितने रिसोर्सेज है उनका ज्यादा यूज हो जा रहा था, इसमें क्या है जितने रिसोर्सेज अवेलेबल भी उनका भी प्रॉपरली यूटिलाइजेशन
नहीं हो रहा है, सो जो किसके इक्वल है, एम और एम टू के, इतना इतना जो रिसोर्सेज है आपका एम एम टू है उनका अंडर एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और इतने सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये थ्री कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, जिसमें आपका क्या था फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल, तो सब कंडीशन पे होता है, बट रिक्वायर्ड एडी एक्चुअल एडी के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जहां पे आपको जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, जितनी लोगों की रिक्वायर्ड है एक्चुअल में, उससे ज्यादा डिमांड हो रही है। नेक्स्ट आपका क्या था अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा की है और एक्चुअल में एडी क्या है, कम है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द मल्टीप्लायर, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू।